हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आज बैंक निफ्टी में जैसा बोला था कल, लगभग कुछ वैसा ही फॉर्मेशन हुए और आज बैंक निफ्टी अपना 52,450 का जो लेवल था वो फिर से होल्ड किया। आज आपका क्या पैसा बना? मुझे लगता नहीं है पैसा बना होगा क्योंकि मौका नहीं था कुछ खास। एक मौका लगा था जब बैंक निफ्टी का फ्यूचर जुलाई का 450 के पास पहुँचा था और उसके नीचे से वापस लौटने वाला था, तब वहाँ पर एक ट्रेड बन सकती थी और कोई ट्रेड नहीं बनी थी। लेकिन आज जिस तरह का फॉर्मेशन हुआ है तो कल क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी निकल गई, चलिए उस पर बातचीत कर लेते हैं। देखिए देखिए दोनों कैंडल डोजी बनी है, आज की और बीते दिन की, मतलब फ्राइडे के सेशन की और मंडे के सेशन की। कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी और फिन निफ्टी की एक्सपायरी कहीं ना कहीं HDFC बैंक के बेसिस पे हो सकती है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि HDFC बैंक का जो एक सपोर्ट बनने की कोशिश कर रहा है, मतलब HDFC बैंक बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं है। मतलब ये मत सोचिए आप कि HDFC बैंक सीधा 1500-1400 चला जाएगा, इस थॉट में मत रहिए। अगर आप उस पर बेरिश हैं तो प्लीज़ अपनी पोजिशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं आप, क्योंकि उसमें आपको लॉस हो जाएगा, वरना आप हेज कर लीजिए उनको। हो सकता है मैं गलत हूँ, नहीं तो फिर आप ये मत कहिएगा भाई आपकी वजह से मैंने स्क्वायर ऑफ कर लिया। बट मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड है। जब तक बैंक निफ्टी 52,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता, प्लीज़ बेरिश होने की गलती मत कीजिए। और अब बैंक निफ्टी ने एक अपर रेजिस्टेंस बना लिया है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे एक गैप क्रिएटेड है और गैप इस बात को बता रहा है कि मार्केट में थोड़ी सी बेरिशनेस है, लेकिन बहुत ज़्यादा बेरिशनेस नहीं है। अब बात करते हैं कल अगर किसी को बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो किस लेवल पर ट्रेड करेगा। उसको बात करने से पहले मेरा फ्यूचर्स को देख लें, जुलाई फ्यूचर्स में क्या चल रहा है। जुलाई फ्यूचर्स में आज वॉल्यूम के साथ में एक डोजी बनी है, इसका मतलब साइडवेज हो रहा है मार्केट। अगर मार्केट साइडवेज हो रहा है तो कल भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका लगेगा, क्या? 52,450। बस इसी को ध्यान रखिए, जुलाई का फ्यूचर खोल के बैठिएगा। अगर मार्केट इस पॉइंट के नीचे या इस पॉइंट के पास जाए और यहाँ से ऊपर लौटने की कोशिश करें, अब ये पता कैसे चलेगा? क्योंकि मान लेते हैं कि 390 तक पहुँच गया मार्केट, तो क्या मार्केट ऊपर लौटेगा? देखिए नहीं पता चलेगा, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। अगर मार्केट 52,300 के नीचे चला जाता है तो वहाँ से रिकवर होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। अगर इसको क्रॉस करता है एक बार मार्केट, तो फिर आप बेरिश रहिएगा, तब आप पुट साइड ट्रेड ले सकते हैं और स्टॉप लॉस आपका लगेगा 52,300 फ्यूचर्स। क्लियर है? मुझे फ्यूचर ही समझ में आता है इसलिए मैं फ्यूचर ही बता रहा हूँ, जो सही है मैं वही बताऊँगा आपको। लेकिन अगर मार्केट 52,300 के नीचे नहीं जाता है तो उस केस में चांसेस तब तक रहेंगे कि लौट सकता है, और अगर ये लौटता है तो उस केस में आपको यही करना है कि आपको बैंक निफ्टी में कॉल साइड पे काम करना है, और वो भी कब करना है? जब ये वापस से 450 के ऊपर निकलता है तब आप 450 का SL लेके कॉल साइड में ट्रेड कीजिए। आपके जो फर्स्ट टारगेट होने चाहिए वो 52,750 तक के मिल सकते हैं, लगभग 200 से 300 पॉइंट आपको रैली देखने को मिलेगी अगर आप इस तरह से ट्रेड करेंगे। लेकिन अगर आप मार्केट के बीच में घुसने की कोशिश करेंगे, मार्केट कहीं ओपन हो रहा हो, वहीं ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आप फंस जाएंगे। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो सपोर्ट तो हमने बात कर लिया आपको, लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो मेजर रेजिस्टेंस 700 के आसपास नहीं है, मेजर रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा 53,300 के आसपास। तो सवाल उठता है कि पुट साइड की ट्रेड हमें लेनी चाहिए, तो मैं सजेस्ट नहीं कर पाऊंगा पुट साइड की ट्रेड। मुझे लगता है कि मार्केट या तो साइडवेज रहेगा या तो कॉल साइड पर ही काम करना चाहिए। आई होप आपको ये लेवल समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको हमारे टेलीग्राम पर जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 8840747884 पे। इसी के साथ सेवा समाप्त।